हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं घनश्याम तोमर आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टूडेंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश में जो भर्ती नहीं हो रही है उसके संबंध में एक जानकारी है आप लोगों के लिए। जानकारी थोड़ी अगस्त माह की पुरानी है, थोड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों, और क्योंकि भर्ती इसलिए नहीं हो रही है उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट सरकार है वो परमिशन नहीं दे रही है व्यापम को कि भर्ती निकालो, जबकि जो विभाग है विभाग ने स्वीकृत पद को स्वीकृत कर दिए हैं, और जो वित्त विभाग है उसने भी पद को स्वीकृत करके जानकारी भेज दी गई है विभाग को, विभाग ने व्यापम को भेज दी है। तो ये तीसरी बार जानकारी वित्त विभाग के थ्रू विभाग से मांगी जा रही है कि आपके यहाँ कितने पद स्वीकृत हैं। तो आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ कौशल विकास में ये आदेश आया है, तो आदेश मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास ये आदेश काफ़ी पहले आ गया था, तो दोस्तों मुझे लगा कि आप ये आदेश आपको शेयर करूँ, तो दोस्तों वो आदेश मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो वित्त विभाग के थ्रू संचालक कोष है लेखा मध्य प्रदेश के थ्रू विभाग को प्रेषित किया गया है, विभाग उसमें जानकारी भर के प्रेषित भेजेगा कि हमारे विभाग में इतने इतने पद स्वीकृत हैं, तो वित्त विभाग उन सभी पदों के लिए वित्त की व्यवस्था करके जो पद स्वीकृत होंगे उन पदों को स्वीकृत करके विभाग को समर्पित कर देगा और विभाग व्यापम को भेज देगा। तो दोस्तों वो आदेश आपको हम दिखाते हैं, तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बेल आइकन के थ्रू मिलता रहे। तो दोस्तों मैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो MCQ हैं उसकी भी तैयारी करा रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे वहां जाकर उसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको 200 MCQ मिल जाएंगे, 20 सेट में मिल जाएंगे ऑटोमोबाइल ट्रेड के, जो DRDO और IOCL और सेल और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं पूरे इसमें को आपको TO के एग्ज़ाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो चाहे वह ISRO, NTPC, BHEL, सेल, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के समावेश मैंने किया है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्डर ट्रेड के लिए भी बलबीर सिंह की जो MCQ की बुक है उसको भी मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप उसे जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिटर ट्रेड की भी यहां पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे वहां पर जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो आपको उसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम उस आदेश को देखते हैं कि कौन सा आदेश है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल से 15/7 को ये जारी हुआ था, लेकिन विभाग को रिसीव हुआ 7 अगस्त 2019 को रिसीव हुआ। तो यहाँ पर संचालक कोष लेखा मध्य प्रदेश खंड आ पंचम तल पर्यावास भवन भोपाल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त विभागाध्यक्ष को भेजा गया यहाँ पर मध्य प्रदेश IFMIS अंतर्गत विभागीय स्वीकृत पदों की जानकारी DDOR VCO लॉगिन पर उपलब्धता के संबंध में 7 अगस्त को यह आदेश हर विभाग को समर्पित किया गया। दोस्तों इसका सारांश देखते हैं, विषय अंतर्गत शासन के समस्त नियमित शासकीय सेवकों के वेतन देयक IFMIS सुविधा अंतर्गत पोस्ट डेटाबेस के आधार पर आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें विभाग के अंतर्गत विभिन्न आहरण संवितरण अधिकारियों के संबंध विभिन्न क्रेडर अंतर्गत स्वीकृत पदों की संख्या, वेतनमान श्रेणी, बजट, शीर्ष इत्यादि आदि दर्ज रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली अंतर्गत आपके अधीनस्थ कार्यालय के DDO कोड अंतर्गत डेटाबेस में दर्ज पदनाम संख्या, उसके विरुद्ध ज्वाइन अधिकारी कर्मचारी का नाम, रिक्त पद संख्या, पदनाम से मैप, बजट लाइन का विवरण www.ifmisproud.mptreasurygovernment.in IFMS पर BCO लॉगिन पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग अध्यक्ष कार्यालय में अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदों का विवरण एक्सेल PDF फाइल डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं, स्वीकृत पदों का मिलान डेटाबेस में दर्ज विवरण सेव कर सकते हैं। कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालय के DDO में दर्ज पदों के विवरण का सत्यापन कर कार्यालय को अवगत करावें। यदि स्वीकृत पदों की संख्या डेटाबेस में दर्ज पदों की संख्या से भिन्नता है तो निम्नलिखित प्रारूप में इस प्रारूप को जानकारी भर के प्रेषित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों इस प्रारूप में जानकारी भर के प्रेषित करना है DDO, जिसमें DDO कोड है, पद है, पद का प्रकार है, पद श्रेणी है, स्वीकृत पदों की संख्या है, अंतर
प्लस माइनस डेटाबेस में प्रविष्ट पदों की संख्या, संवर्ग का प्रकार, बजट शीर्ष लेवल पे स्केल है, प्रशासकीय स्वीकृत क्रमांक, दिनांक कब से स्वीकृत हैं वो पद, यहाँ पर रिमार्क अगर कोई भी पद स्वीकृत हैं उसके विरुद्ध कौन सा अधिकारी कर्मचारी और गेस्ट फैकल्टी कौन इसमें कार्यरत है उसमें रिमार्क करके भेजना है। और उसके नीचे जानकारी है दोस्तों डेटाबेस में पूर्व से प्रविष्ट पदनाम के पद के संख्या में वृद्धि की जाना है। तो ऐसे पदों की प्रविष्टि डेटाबेस में किए जाने हेतु संबंधित DDO में कुल स्वीकृत पदों की संख्या का उल्लेख करें। किसी भी प्रकार के पदों की प्रविष्टि डेटाबेस में किए जाने हेतु प्रस्ताव के साथ पद स्वीकृत संबंधी प्रशासकीय आदेशों की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें। विभाग अंतर नवीन पद निर्मित होने की स्थिति में प्रशासकीय आदेश के संदर्भ में पदों की प्रविष्टि के लिए DDO वार पद विभाजन की एक जायज जानकारी प्रेषित की जाए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जानकारी मांगी गई है लेखा अधिकारी के थ्रू, यहां पर साइन है आयुक्त कोष लेखा भोपाल। यह आदेश इसमें हर विभाग को भेजा गया है, चाहे वह कौशल विकास विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इसमें पदों की जानकारी भर के वित्त विभाग को भेजना है और उसके बाद विभाग को भेजेगा, विभाग फिर वह व्यापम को भेजेगा और व्यापम भर्ती निकालना शुरू कर देगा। दोस्तों तो ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। यदि आपको ये वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।